ये है मोबी लाइफ कंपनी का सेल्फी स्टिक, जिसमें कि आप एज अ सेल्फी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही में इसको एक्सटेंड करके एज अ ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे खास चीज़ है इसका रिमोट, जिससे कि आप अपने हाथों से वीडियोस या फिर फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा खास क्या है। तो सबसे पहले आइए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आप इसके बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है ट्राइपॉड विथ ब्रैकेट, यानी कि इसमें एक प्रॉपर स्टैंड का सिस्टम दिया गया है, जिससे कि आप इसको एज अ ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो गोप्रो भी लगा सकते हैं, साथ ही में कैमरा लगा पाएंगे, या फिर आप चाहें तो रिंग लाइट वगैरह भी इसी एक ट्राइपॉड में लगा सकते हैं। ये सिर्फ ट्राइपॉड ही नहीं, सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है, यानी कि आप इसी टूल्स को आपने एक सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही में एक ट्राइपॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये दिखने में आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना, तो इसकी लेंथ लगभग 1.56 मीटर की हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, और इसमें वायरलेस रिमोट का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, जो कि देखने में कुछ इस तरह का है और ये बिल्कुल एक पॉलीथीन में पैक है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए एक टेक्निकल सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे टूल्स वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसमें व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप यानी कि कॉल करके यदि आपको इसको ऑपरेट करते नहीं बन रहा है या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही में यूज़र मैनुअल दिया गया है, यदि आपसे यूज़ करते नहीं आ रहा है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको, ये जो स्टेप दिए गए हैं हाउ टू यूज़, इस तरीके से आप इनको प्रॉपर एकदम रीड करके प्रॉपर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखिए, और ये रहा हमारा सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड, जो कि पकड़ने में काफ़ी जानदार और शानदार लग रहा है। पकड़ने पर लगता है कि हाँ यार कोई चीज़ पकड़ी हुई है। ये बिल्कुल रोटेट हो रहा है, एकदम ओपन हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आप देखिए फ़ोन माउंट करने का भी पूरा सिस्टम दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रॉपर स्टेज भी हो जाता है, जिससे कि आप बड़े से बड़े साइज़ के फ़ोन को भी इसमें लगा सकते हैं और लगा के आप क्लिक वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मोबी लाइफ कंपनी की एकदम प्रॉपर ब्रांडिंग की गई है और ये बिल्कुल रब्ड सरफेस है, आपको आवाज़ आ रही होगी, जिससे कि यह बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता है पकड़ने में। इसके ऊपर यहाँ पर ये वायरलेस रिमोट लगा हुआ है, जिससे कि अभी हम अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो होल्डर लगा हुआ है, इससे आप देखिए इसमें आप चाहें तो GoPro एक्शन कैमरा या फिर स्पोर्ट कैमरा या फिर आप चाहें तो रिंग लाइट भी लगा सकते हैं, यानी कि एक ही सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसे आप कुछ इस तरह से टाइट कर दीजिए और यहाँ पे आप जो मन चाहे वो लगा सकते हैं। और साथ ही में ये जो इसका होल्डर है, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाता है, आपको आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाता है, जिससे कि आप बड़े से बड़े साइज़ का फ़ोन इसमें जो है तो होल्ड कर सकते हैं। अभी देखिए हम यहाँ पर अपना फ़ोन लगा रहे हैं, इसके मैं लॉक को ओपन कर लेता हूं और ये देखिए, ये मैंने यहां पर अपना ये फ़ोन लगा लिया। यहां पे जो रिमोट का सिस्टम दिया गया है, आइए इसको यूज़ करके दिखाते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। आप चाहें तो इस रिमोट को निकाल सकते हैं और इसी रिमोट के द्वारा, जी हां बिल्कुल, इसी छोटे से रिमोट के द्वारा आप चाहें तो फ़ोटोज़ या फिर यहाँ तक कि वीडियोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अभी देखिए कि यहाँ पे दो लाइट ब्लिंक करने लगी है। अब जैसे ही लाइट ब्लिंक करने लगे तो आप समझ जाइए कि रिमोट ऑन हो चुका है। फ़ोन पे जाना है, फ़ोन में जाने के बाद आप एक काम करिए, ब्लूटूथ ओपन कर लीजिए। अब ब्लूटूथ ओपन होते ही मोबी लाइफ सेल्फी ऑटोमेटिक ही मेरे में कनेक्ट हो गया है, क्योंकि इसको मैंने इसके पहले भी कनेक्ट किया था। और अभी हम आपको इसका कमाल दिखाते हैं, कैमरे पर जाइए। अभी देखिए आप इसको कुछ इस तरह से अपने सेल्फी स्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यदि इसको क्लिक करना है तो ये रहा रिमोट। अब अभी देखिएगा इसका कमाल, ये मैंने यहाँ से प्रेस किया, ये क्लिक हो गया, फिर मैंने प्रेस किया, ये क्लिक हो गया। बहुत ही शानदार फीचर है इसका। अब चाहे तो अपने हाथ में रिमोट से ही बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं, हमें बार बार जाके इसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये। देखिए ऐसे कुछ हमने यहाँ से क्लिक किया और ये क्लिक हो गया। इतना तो कुछ नहीं है, अब आइए इसका एक दूसरा फीचर दिखाते हैं, वो है इसमें जो कि ट्राइपॉड का सिस्टम दिया गया है। आप इसको कुछ इस तरह से ओपन करके एक ट्राइपॉड की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन फीचर्स लगा है। अभी आप देखिए ये एक ट्राइपॉड यानी कि एक मिनी ट्राइपॉड की तरह वर्क करेगा। जी हाँ बिल्कुल,
इसमें नीचे नॉन स्किड रबर लगा हुआ है जिससे कि ये बिल्कुल भी स्किड नहीं करेगा, है ना। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम स्टेबल हो गया है। अभी यहाँ पर हमारा ये जो ट्राइपॉड रखा हुआ है जो कि सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है, इसे मैं एक मिनी ट्राइपॉड की तरह यूज़ कर रहा हूँ, जिसे आप कुछ इस तरह से ओपन करके एज अ मिनी ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं और अपने टेबल के ऊपर रखकर बहुत ही आसानी से शूटिंग वगैरह कर सकते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बनाते हैं तो इसे आप कुछ इस तरीके से रोटेट करके इसमें आप रील्स वगैरह शूट कर सकते हैं। तो आइए इस मिनी ट्राइपॉड को मैं एक बड़े से ट्राइपॉड में कन्वर्ट करता हूँ, और कन्वर्ट करने के लिए आप इसे जो है तो एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल एक्सटेंड हो रहा है और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1.56 मीटर की है। जी हाँ, बिल्कुल एक्सटेंड करने के बाद आप इस ट्राइपॉड की हाइट देख सकते हैं जो कि लगभग 1.56 मीटर की है। और यहाँ पे आप देखिए कि हमारा बिल्कुल यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है, और ये जो ट्राइपॉड में जो फ़ोन लगा हुआ है बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि ये ज़रा सा भी सेक नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि बाकी ब्रांड्स के जो ट्राइपॉड होते हैं वो थोड़ा बहुत सेक करने लगते हैं, लेकिन आप इसकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्टेबल है। और इसकी जो बॉडी है ये भी एल्युमिनियम एलॉय की बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, और साथ ही में नीचे आप देखिए बिल्कुल स्टेबल स्टैंड दिया गया है, और साथ ही में यहाँ पर ये वायरलेस रिमोट लगा हुआ है जिसे कि आइए हम अभी निकाल लेते हैं। मेरे हाइट से थोड़ी सी कम है, जिसकी हाइट लगभग 1.56 मीटर है, और यहाँ पर मैंने इसके रिमोट को निकाल लिया है। रिमोट को निकालने का जो फीचर है ना वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यदि कई बार क्या होता है जब मुझे वीडियो शूट करना होता है या फिर आपको भी शूट करना होता है तो हम या आप किसी और को बुलाते हैं कि भाई साहब आ जाइए थोड़ी सी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, ऐसे में वो काफ़ी गुस्से मन से देखने लगता है। लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम है ना वो जा चुकी है, क्योंकि इस सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड में आपको क्या करना है, आप वीडियो का ऑप्शन ओपन कर लीजिए। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से वीडियो का ऑप्शन ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद मैं अब अपने हाथों से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको हाथों से ऐसे प्रेस किया, ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही मैं इसको हाथों से ऐसे प्रेस कर देता हूँ रिकॉर्ड होकर वीडियो सेव हो चुकी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आइए मैं आपको एकदम रियल में दिखाता हूँ, पास में बिल्कुल। ये मैंने इसको छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद अभी आप देखिए किस तरह वर्क कर रहा है। तो देखिए ये रिमोट मेरे हाथ में है, जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूँगा वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने क्लिक किया और वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं कैमरे में बिल्कुल लाइव। और जैसे ही मैंने इसको एक बार और प्रेस किया वीडियो सेव हो गई है, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये जो सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है इसे मैं लगभग एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है। यदि आप भी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक दिया गया है, आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि आप कभी पिकनिक या फिर टूर वगैरह में जाना पसंद करते हैं तो आप इसे एज अ सेल्फी स्टिक यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करते हैं तो आप इसे एज अ ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने से एक प्रॉब्लम तो आपको चली ही जाएगी, इसमें जो कि एक रिमोट का ऑप्शन दिया गया है, तो इसी रिमोट के जरिए जो है तो अब आप वीडियोज़ या फिर फोटोज़ वगैरह क्लिक करना आपके हाथों में आ गया है, आप सेल्फ डिपेंड होकर फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है, यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप एक बार चेक ज़रूर करिए। अब वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।